अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर मूस क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये किस फॉर्म में होता है, इसके कौन से वॉल्यूम है जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो है ये जो है जिनके बाल जो है वो रोल वगैरह करके किसी फंक्शन पर जाते हैं और फंक्शन के दरमियान में उनके रोल खुलना शुरू हो जाते हैं, बेशक स्प्रे भी की होती है उसके बावजूद खुलना शुरू हो जाते हैं, तो उसको किस तरह लॉन्ग लास्टिंग रोल कर सकते हैं, इसके अलावा जिनके बाल कर्ली से होते हैं उसको किस तरह से इनसे स्ट्रेट कर सकते हैं, कर्ली बाल जो हैं वो स्ट्रेट करके जाएं तो थोड़ी देर बाद फिर कर्ली होना शुरू हो जाते हैं, उसको किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस पर बात करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास है लॉरियल पैरिस स्टूडियो लाइन का ये मेरे पास हेयर मूस है, ये देखें कर्ल पावर मूस। तो ये जो मेरे पास ये सिक्स नंबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ये उन बालों के लिए है जिनके बाल बहुत सिल्की हैं, वो स्ट्रेट करके जाते हैं लेकिन वो रोल करके जाते हैं वो खुल जाते हैं, तो उनको वो किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो रोल कर सकती हैं। तो उनको रोल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बालों को वेट कर लेना, गीला कर लेना, बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए, हल्के हल्के गीला होने चाहिए। गीला करने के बाद जो है आपने हेयर मूस लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो आपने फिर 6 नंबर का लेना है, तो अगर बहुत ज़्यादा सिल्की नहीं है फिर 6 नंबर का नहीं लेना, तो बहुत ज़्यादा सिल्की हैं इन पर रोल कर्ल वगैरह नहीं टिकते हैं तो आपने 6 नंबर का हेयर मूस लेना है और अपने गीले बालों पे जो है ना आपने इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का तरीका यह देखें, आपने इस तरह से पहले शेक करना है, अच्छी तरह से शेक करने के बाद आपने इस तरह से निकालना है, ये देखें ये इस तरह से जाग की शक्ल में होता है। और इसको लगाने का तरीका यह है कि आपने इस तरह से मिक्स करना है, ये देखें इस तरह से आपने उंगलियों में लगा लेना है, इस तरह से मिक्स करके जो आपके गीले बाल हैं गीले बालों पे आपने इस तरह से लेंथ में लगाना है, नीचे जहाँ जहाँ आपने रोल करना है नीचे लेंथ में लगाना है, आपने इसको रूट्स में नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? तो पूरे आपने लेंथ में इसको लगा लेना, गीले बालों पर लगाने के बाद अपने बालों को ड्राई कर लें, या जब आपके बाल ड्राई हो जाएँ तो उसके बाद जो है आपने उस पर रोलर से अपने बाल रोल करने हैं या स्ट्रेटनर से रोल करने हैं, जिस तरह से भी आप रोल करना चाह रहे हैं उसको आप उससे रोल करें। रोल करने के बाद आप स्प्रे लगा दें, आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, जब तक आप खुद नहीं वॉश करेंगे वो कर्ल नहीं खुलेंगे, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हैं 6 नंबर जो है आप यूज़ कर सकते हैं सिल्की बालों के लिए, या फिर 6 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं बाल स्ट्रेट करने के लिए जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं और वो उनको रोल करके जाओ स्ट्रेट करके जाओ तो वो वापस कर्ल हो जाते हैं, तो उनको स्ट्रेट करने के लिए आप 6 नंबर लगाएं, पहले उनके गीले बालों पे 6 नंबर लगाएं, उसके बाद बालों को ड्राई करें, बालों को ड्राई करने के बाद आप उसको फिर आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने के बाद आप कोई भी सीरम अप्लाई कर दें तो आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा, मतलब कि वो जल्दी जल्दी जो है ना कर्ल नहीं होंगे, ठीक है? ये 6 नंबर जो है सिल्की बालों के लिए और बहुत ज़्यादा जिनके कर्ली बाल हैं उनको सीधा करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं ये देखें ये 4 नंबर, ये 4 नंबर उनके लिए जिनके बाल हल्के हल्के फ्रीजी हैं, मतलब के थोड़े फ्रीजी बाल हैं, तो उनके लिए हम 4 नंबर अप्लाई करेंगे। इसी तरह गीले बालों पे हमने बालों की लेंथ में जो है हमने ये अप्लाई करना है, उसके बाद ड्राई कर लेना है 4 नंबर, तो उसके बाद हम रोल करें स्ट्रेट करें जिस तरह से हम उसको करना चाह रहे हैं कर सकते हैं इजीली। 4 नंबर फ्रीजी बालों के लिए। ये जो ये हमारे पास निविया हेयर केयर का है हाइड्रा बैलेंस, मतलब ये आपके बालों को बैलेंस रखता है, चाहे तो आप फ्रीजी बालों को जो कर्ली बालों को स्ट्रेट करें, चाहे तो स्ट्रेट बालों को रोल करें, तो ये ज़बरदस्त है। 4 नंबर मीडियम नंबर होता है। इसके अलावा हमारे पास ये भी लॉरियल पैरिस का है, लेकिन ये जो हमारे पास है एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये देखिए लिखा हुआ है स्टाइलिस्ट मूस एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो ये जो ये हमारे पास 3 नंबर है, ये 3 नंबर उनके लिए जिनके बाल काफ़ी फ्रीजी हैं और वो उनको रोल करना चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रोल हो जाएं, तो उनके लिए ये 3 नंबर है, और जिनके बाल हल्के हल्के से कर्ली से हैं और वो उनको सीधा करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये नंबर है कि उनको आप गीले बालों पे अप्लाई करें, उसके बाद ड्राई करें, उसके बाद आप इसको जो है रोल करें या स्ट्रेट करें, तो इसलिए इससे जो है ना आपकी फिर ज़बरदस्त सी जो हो जाती है बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है बहुत अच्छा सा और ज़बरदस्त सा लॉन्ग लास्टिंग आपका आपको रिज़ल्ट मिलता है कर्ल करने में या आपको
इसको वो करने में, स्ट्रेट करने में। इसके ऊपर लिखा भी हुआ 48 और होल्ड, मतलब 48 घंटा की आपका जो है ना लॉन्ग लास्ट आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ में बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू आपको वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा लाइक शेयर लाजमी कर दें। इसके अलावा कुछ भी और पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।